अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बड़े मजे में होंगे, अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। और इस प्रोग्राम में आपको पता है कि मैं अकेला बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मेरे साथ होती हैं हमेशा की तरह, आज भी मौजूद हैं, और इनसे तारुफ कहते हैं कि कराएं अपना भी और प्रोग्राम का भी। अच्छा, क्योंकि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना तो सैम मुझे कहती है कि अच्छा आज प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन जो है ना वो मैं खुद कराऊंगी ना, तो फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है। जब प्रोग्राम का टाइम होता है, जब प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है ना, उससे टाइम दे उत्ते आके सैम आती है, जनाब क्या हाल चाल है आप सबके? और उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे, बहुत मजे में होंगे, और खाना वाना खा लिया होगा यकीनन, और नहीं खाया तो साथ साथ खाना भी खाएं, क्योंकि इस शो में बहुत कुछ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज़ हमारे शो का नाम है फरमाइशी, और जब फरमाइश का मतलब आ जाता है, हमारे प्रोग्राम का नाम है फरमाइशी जी जी प्रोग्राम जी जी, पूरी बात तो होने देना, एक तो पता नहीं क्या है, बात को काट कूट के लाजमी देना है। आई नो इस पे गाल नहीं ना सैम। हाँ फिर कैसी बात है? गाल ए है कि प्रोग्राम दना, अब सैम मलिक एक नाम है, ठीक है, पूरी बात होने दे तो बंदा पूरी बात करे ना। ओके जी, आप बिल्कुल ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, चलो कैरी ऑन कैरी ऑन जी। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, हमारे शो का नाम है फरमाइशी, ठीक है, और जिसमें आप हमें फरमाइश कर सकते हैं अपने फेवरेट सिंगर्स के गाने। प्रोग्राम का नाम क्या है? फरमाइशी शो नहीं, हाँ प्रोग्राम का नाम है फरमाइशी प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम। यार आज ये क्या बंदा, क्या क्या करना चाह रहे हो आप? नहीं बंदा भेड़ा लग जाना यार, क्या बंदा भेड़ा लग जाए। शो का नाम देखो, नहीं शो का नाम अगर आधा अनाउंस करें ना, हमारे शो का नाम क्या है? फरमाइशी प्रोग्राम। हाँ तो मैंने क्या बोला है? आपने बोला है कि हम फरमाइशी पूरी बात नहीं होने देगा तो बताएं पे यही बोलेगा। ओके बाय एंड मिट्टी पाओ, खैर बातें आपसे चिटचाट होती रहेंगी, और 10:30 बजे तक मैं और मुदस्सर यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मेरा नाम तो मुदस्सर ने बता ही दिया, और मैं अपना नाम बता देता हूँ कि मुझे कहते हैं मुदस्सर अली, और मुझे कहते हैं सैम मलिक, क्योंकि साथ साथ बताना बहुत जरूरी। और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया उनको कहते हैं बहुत सारा वेलकम एंड थैंक यू सो मच। एवरी ट्यूजडे मैं और मुदस्सर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे ढेर सारे डिफरेंट सॉन्ग्स के साथ, जिसमें हम जैसे पंजाबी, सराइकी, पश्तो, उर्दू, सारा पाकिस्तान का जेरा पूरा मिक्सचर है ना वो सब शो। अच्छा सैम, ये दसो के पिछला हफ्ता जो रहे ना बड़ा की में लिया? बहुत आला, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा की में। हाँ बिकॉज बीच में मुहर्रम आ गया था, मुहर्रम में बिजी बिजी बिजी, फिर मुहर्रम के बाद फिर अगेन शोज। 14 अगस्त लेकिन मैं 14 अगस्त वाले भी जरूर बाहर गई अभी थोड़ी देर वास्ते, लेकिन एक चीज मेरे को बड़ी अजीब लगी, मतलब 14 अगस्त का मतलब ये नहीं कि ठीक है आजादी मिली है तो सा उसको सेलिब्रेट करो अच्छे तरीके ना, लेकिन बाइक खाले जितने भी हजरात मैं को अभी तक समझ नहीं आ रही कि अगर वन व्हीलिंग का मतलब क्या है यार, आप इतने खतरनाक तरीके से कर रहे हो। आई नो, हाँ वन व्हीलिंग का मतलब ये है कि एक टायर के ऊपर बाइक को चलाना। हाँ अगर यार अगर ईया कंपनी वाले अगर हिक टायर वाला हो तो हिक टायर वाला ना बाइक को चला में ना करे ना, जाग हिक आर्टिस्ट है हर केंद्र वसीच नहीं है। और नौजवान माफ करे जब फिरते हैं और इतनी ज्यादा ठीक है आप एंजॉय करो आपका राइड, लेकिन एक अच्छे तरीके में, और खुद को सेव करो, खुद को भी और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो गाड़ियों में हैं, जो पैदल वॉक कर रहे हैं, फैमिलीज, बच्चे। मेरा ख्याल है वन व्हीलिंग करनी नहीं चाहिए ऐसे ना, क्यों करें यार, व्हाई इस आर्ट को ही खत्म कर देते हैं, बाइक को ही खत्म ना कर दे। अच्छा इसका एक हल है, एक हल है, और मैंने बड़े अपने ना दिमाग पे जोर लेके ना हल हल सोचा कि क्यों ना अगर एक व्हीलिंग करनी है इंडिया वास्ते अलग एक ट्रैक बढ़ाया वे, एक सड़क बढ़ाई वे, एक रोड हो जिसके कोई ट्रैफिक ना हो, जितना सिर्फ बहुत खतरनाक है मुदस्सर आप उतना ना एक बाकायदा एक ट्रेनर हो जरा ट्रेन करे उन्हें को उनके बाद अपना व्हीलिंग करो। हाँ मतलब वाई शशका, मतलब वाई शशका आप क्यों शशका मार रहे हो? खैर हम किन बातों पे चल, हम अपने प्रोग्राम का हमारा प्रकाश हो चुका है, हमारे टेलीफोन नंबर हमेशा की तरह मुझे भूल जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ भी यही वाले ना
हाँ 4102357 हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी अपने दिल की बात हमसे शेयर करना चाहें, जो ऐसी बात हो शेयर करने के काबिल, तो हम जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और प्रोग्राम का नाम जैसे कि आपको पता है कि फरमाइशी प्रोग्राम है, तो फरमाइशी प्रोग्राम में ऑब्वियसली फरमाइशें ही चलेंगी, और हमारी कोशिश होगी कि हमने एक लिस्ट बनाई है जो हमें हमारी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, उस लिस्ट में से आपने चॉइस करना है कि जी ये अलग गाना जड़ा है ना सानू बड़ा पसंद है, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे आपसे कि क्यों पसंद है, कोई वजह बताएं, फिर जब आप वजह बताएंगे फिर आप हमें ये बताएंगे कि इसका शायर कौन है इस गाने का, इसका सिंगर कौन है, ये कहाँ पे शूट हुआ, तब फिर हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। अच्छा, सम टाइम कुछ गाने ऐसे होते हैं मुदस्सिर के मुझे उनकी स्टोरी बोर्ड बहुत पसंद आ रही होती है, जैसे कि अब बहुत सारे गाने हैं यार, अब एक ही गाने का रहने दो, बहुत सारे सिंगर्स के नाम आ जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनको आपको समझ नहीं आ रही है, मतलब यार ये क्या शायरी है, लेकिन उनकी स्टोरी बोर्ड बहुत आला होती है। जैसे मुझे आज एक गाना बड़ा जबरदस्त याद आ रहा है, वो था सब्ज़ा बना आदमी आया, ये परियन सॉन्ग था। अच्छा, लैंग्वेज नहीं पता चल रही थी कि क्या है, लेकिन वो बना इतना खूबसूरत होगा, मजे से, लेकिन वो बड़ा अच्छा गाना था। और आज तो खैर अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में ना जरूर इस सॉन्ग को शामिल करेंगे, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट गाना है, और आई होप सैम आपको भी अच्छा लगेगा। कॉल है, देखते हैं कि लाइन पे हमारे साथ इस टाइम कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, खुश नसीब, अस्सलाम वालेकुम, हेलो सैम, लगता है उसको मेरी आवाज पसंद नहीं आई यार, मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम, ओके कोई मसला नहीं, एक्चुअली बारिश भी हो रही है, बारिश की वजह से थोड़ी लाइन कॉल आती है ना सैम, दूर से कॉल आती है, तो शायद दूरी की वजह से सिग्नल कॉल आते आते ना कोई थोड़ा सा गड़बड़ी, वो तो कहते हैं कि हम करीब हो लेकिन क्या करें, लाइन हो जाने, वो बेचारी मौसम जो है ना, मौसम हुआ बेईमान, आज तो मौसम में एक्चुअल काफी टाइम से बेईमान ही चल रहा है, फिर अगेन कॉल आई हमारे पास, नहीं कॉल नहीं है। अच्छा, हम हमारे जो सॉन्ग्स होंगे ना, क्योंकि हमारा जो ये इस टाइम जब हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों के साथ हम बड़ी अच्छी अच्छी मजे मजे की बातें कर सके, बिल्कुल, एंड लाइट मूड में, कोई ऐसे गाने सुने टेढ़ी मेढ़ी मूड में नहीं, लाइट मूड में एंजॉय। अच्छा, बाकी आप देखिए जहाँ भी हम कोई भी चैनल देख रहे होते हैं, ट्यून करते हैं, तो उसमें ओ जी फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, यार बस थक गए। हमारी कोशिश है कि इस टाइम आपको थकाएं नहीं, डिस्टर्ब ना करें, बल्कि अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनाएं, जरा सा माहौल को बनाएं, एंजॉय करें कुछ देर के लिए, गमों को, उदासियों को, थकावट को भूल के अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। और पहला गाना जो है ना सैम, मैं अपनी पसंद का अगर कहूँ, अगर आपकी इजाजत, जी जी इजाजत, आपको क्या जरूरत है इजाजत लेने की, वाह, तो पहला जो सॉन्ग हम सुनवाने जा रहे हैं वो है मेरा फेवरेट है, तेनु तकिया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विच्चों कुछ ना करी, एक कॉल ना सुन ले, ओके, क्योंकि साढ़े जड़े उत्ते बैठे ने ना, कौन कौन, नईम भाई, नईम भाई दी फरमाइश है कि पहले कॉल चुक दो, कॉल उठाते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, नहीं भाई इंज ना किदा करो, बंदा भाड़ा लगदा, भाई दूसरी बार ऐसा हो रहा है, नहीं भाई ये की चक्कर है, कोई तो चक्कर चला रहे हैं आप बैठकर, नहीं भाई की बिल्कुल नियत नहीं है आज प्रोग्राम में कॉल देने की, बस आप सुन ले, हमारे जितने भी नाज़रीन हैं सुन ले, चाहते हैं बातें कम हो, गाने ज्यादा सुने, एंजॉय ज्यादा करें, यार पता है वो भी अपनी जगह बिल्कुल राइट है, या पूरे दिन बंदा कम करेंदा रहंदा कहने हिक दी गल दूजी दी गल, और ये वाला बेस्ट टाइम होता है कि खाना खाया, रेस्ट किया और अच्छा सा म्यूजिक सुना और साथ साथ चाय का कप, तो पहले गाने पे चले, बिल्कुल चलते चलिए चलते, तो पहला गाना चल के देखते हैं और एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, फिर मुझे बताइए, बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब के बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती, Too good. अच्छा वैसे कभी कभी अच्छी अच्छी बातें मैं कर लेता हूँ, कर लेते हैं, मुझे यकीन नहीं आता, बड़ी मंतक की बात करता हूँ सैम, है ना। अच्छा मुझे सैम अब ये बताएं, आपने पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके विजिट किए हैं, घूमे हो, शहर किथा किथा की थी, मुल्तान, ओह, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, नारायण कवान, और कौन से हैं, बकर, यस बखर, बेहल, ये भी एक है छोटा सा, और दरिया खान, यस दरिया खान, वाह इसको तो नहीं पता यार,
हाँ, और मेन मेन जो तकरीबन सारे ही कर लिए, लेकिन हाँ, अभी अच्छा, गिलगित रह गए यार, मुझे गिलगित देखना, और कश्मीर नहीं देखा मैंने अभी तक। कश्मीर नहीं देखा? कश्मीर नहीं देखा, जाऊंगी इन्हीं अच्छा, दिनों में कश्मीर का प्लान कर रही हूँ। अहमदाबाद देखा है, अहमदाबाद देखा है, और मरी तो अब ऐसे लगता है कि यार उसको हाथ लगा के वापस आ जाओ। सीरियसली मरी तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा ऐसा है, हाँ एक लेते हैं कॉल, उसके बाद मेरे जहन में एक बात है वो मैं जरूर अपने नाज़रीन से शेयर करूंगा पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ? इजाज बलोच बोल रहा हूँ जी। कौन बात कर रहे हैं? इजाज बलोच। इजाज बलोच, कहाँ से कॉल की? इस्लामाबाद से। कैसे हैं बलोच? बलोच इजाज, तो क्या कह रहे, क्या हो रहा है? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, में हाल है बहुत अच्छा हाल है, बहुत अच्छा हाल है। सराय की आन दिए बस तू सा छा गयो एकदम उर्दू, तू एकदम सराय की टोन चेंज की तन एकदम मुदस्सिर, तो मैं को हैरत थी ये से बड़े हैरान थी गए लाजे दे भी हैरान थी गए जी। इमे थोड़ा बमासा भी सराय की नु ना थोड़ी मो की तू अच्छी खासी सराय की मेरा विराद जरा एक्सेंट है ना, मैं को लगदा पे कि शायद ये डीए खान दे आसपास दे किथों दा है। बस ये दरिया सिंध दे किनारे बा के कदासा भी लोरियां आए हाय 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 सुनाई है। ये तो बड़ा सोण। अच्छा लाला इलाका दसो अपना जल्दी जल्दी, ये ज्यादा अलजबरा सारे ना लिखे दसो। मियां वाली तो सरकार, मियांवाली हलवे को इलावा केरी ऐसी चीज है जी तुसा अपने साडे नाल तुहाडे तरफों और नाजरीन को पता लगे ते लोग मियांवाली विजिट करण वणन, एक काम दी गल है साडे पासे विजिट वास्ते कोई इतनी खास जगह बड़ी नहीं, लेकिन हुन लगे ने कोशिश है एक पार्क बनदा ते नहीं मैं दसां मैं विजिट कीता होया मियांवाली चश्मा बिराज है, कुंदियां है। मियांवाली दा केड़ा सिंगर है जेड़ा तुहाकूं सब तू ज्यादा पसंद है? लाले की गल आती है कि असाजी पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की साड़ी शान है, मियांवाली की शान है। लाला तौला ईसा खेलवी उन्हां तो बाद लाला शफाउल्ला, अल्लाह पाक उन्होंने करवट जन्नत जन्नत नसीब करे। वो भी साढ़े को अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह, उन्होंने बच्चा आंदा पे जी शान रोखड़ी है, ताहिर है, नाल शराफत बड़ा अच्छा आंदा पे। फीमेल भी आ गई माशाल्लाह, दो चार लड़कियां फीमेल भी आ गई हैं। मेरे ख्याल इस मेरा भाई मौसीकी दा बड़ा है, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है ते मौसीकी पसंद करने वाला बंदा है। इवें नहीं जास जी सही बस गुजारा, शायरी वाले पासे कोई लगाओ है थवाडा ना जी? शायरी भी करे मैं थोड़ा नो करे देवे ना, वो भी थोड़ी बहुत लगी, वो भी थोड़ी बहुत है ना। अच्छा थैंक यू सो मच यार। मैं तो सही गुजारिश करनी है भाई, ऐसा एक कोई बिस्मिल्लाह करा या ताहिर साहब की आवाज एक कोई सुना दे उसा। बस तुहाडी 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 फरमाइश असा ए इवें मिनटा च पूरी करे सु। लोग आक्सन भाई यार इजाज दी फरमाइश क्यों पूरी कीती वे, लेकिन अस आक्सु साडी लिस्ट च इना दी मुताबिक गाना भी आई। हां हां बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच कॉल करने का, बड़ा 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 शुक्रिया सैम। देखो मियांवाली के जो लोग हैं ना, मियांवाली के लोगों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के मोस्टली हमारे जो सराय की एरियाज हैं उनको तो खास तौर पे मैंने विजिट किया है ना, तो मियांवाली के लोग ज़्यादातर वो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, और वहाँ पर जो कल्चर है कि वहाँ पर जब भी शादी होती है तो शादी ब्याह के मौके पे सिंगर का आना लाजमी होता है, चाहे कुछ भी, चाहे किसी गरीब की शादी है चाहे अमीर की शादी है, सिंगर ने लाजमी वहाँ पे परफॉर्म करने, ये एक रस्म शायद रस्म के तौर पे है। सराय की बेल्ट जितनी भी ना वो ऐसे ही शादियाँ उनकी ऐसी होती होंगी, लाजमी
सिंगर्स को इनवाइट किया जाता है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ जस्ट ओनली हम जो डिस्कस करें वो मियां मालिक को, मियां मालिक करें। हाँ। अच्छा, साथ में ना वो ना फिर शायरी भी, ज्यादातर शायरी भी करते रहते हैं, ठीक है। और इस मौका पर जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सराय की जोड़ियों का मोहम्मद तुसा की सलाम। मैं सराय की तो कोई ना, पर सराय की रिमोन दिलदादा वहां। मैं दुआ लाहौर दी मशहूर कालर ते गांधी बजांदी सारे प्रोग्राम आंदी, सारे जान दे, सारे पहचान दे, मशहूर तरीन की हां। वाह, थोड़ी सांस ले लें। ले लिया। हम कुछ बोलें या ना बोलें, अभी कुछ बोलना है आपने? बोलो। दुआ आज मैं ही गिला कर सा तुम्हारे को। जी बोलो। आप हमारी रेगुलर कलर है, लेकिन जब भी आप कॉल करती हैं टीवी का वॉल्यूम तो बंद कर लिया करें ना। यार मेरा ना मोबाइल खराब हुआ, रिमोट खराब हुआ है, अल्लाह की कसम कम नहीं हो रही। बंदा भेड़ा लगता है ना। दूसरे कमरे में चली जाए, बाहर चले। इतनी प्यारी कॉलर है आप, जोश दिलाती हैं हमें भी। इतनी प्यारी कॉलर है आप। रिमोट के सेल खराब हो गए, हिल ही नहीं रहा। आए बंद कर दिया, बंद कर दे मारे दीवार पे रिमोट। कर दिया, चलो अब सही है। सिरे से मुका दिया। इस किस्म के दोस्त होने जेड़े मशवरा जिन्हों को लगर बंदा गिने ना। यार ये मैं करती हूँ दुआ, ये मैं करती हूँ। सॉरी जी, हेलो जी जी। हाँ मैं सुनाऊंगा कुछ। जी जी आप सुनाएं, हम आपकी सुन रहे हैं। नहीं नहीं, क्या सॉन्ग सुनाऊं, दो लाइनें सुना देती हूं। जो दिल चाहता आज, है आज मैं दुआ से फरमाइश करूंगा। अच्छा, कि आज हमें कोई राग भोपाली का कोई गाना सुना दे। पानी में आग लगवानी है मुझसे। अभी भी तो मेरा गला ठीक हुआ है। एक महीने से मेरा गला वैसा हुआ था। चले कुछ कोई एक चले जी, आप अपनी पसंद से जल्दी जल्दी से एक दो बोल सुनाइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत आवाज भी आपकी आज माशाल्लाह। इन्होंने बड़े जबरदस्त सुर लगाए और बड़ा मुश्किल सा इन्होंने गजल रंजिश और बिल्कुल और अपनी गला अगर ठीक होता तो फिर क्या ही मजा आ जाता। खैर अब हम चलते हैं अगले गाने की तरफ, उसके बाद फिर मजीद आप लोगों की कॉल भी सुनेंगे और आपकी फरमाइश भी होगी। तो और जी फरमाइश है यही ना, कहंदी भला कहंदी भला जास दी कि यार ताहिर दा गाना सुनाने। अच्छा ठीक है, आप बोले ना कि जो कॉलर की फरमाइश आई थी। प्यार ते पैसे दा कोई जोड़ नहीं, ढोला तो मैं तो मुख मोड़ नहीं, जिदू जिनू असी गल दे तावीज वांगू रखे आ, जिनू असी गल दे तावीज वांगू रखे आ। सची दसा दिला, सची दसा दिला, साड़ी उन लोड़ नहीं, ढोला तुम्हें तो मुख मोड़न। ब्यूटीफुल। खैरियत आजाद कश्मीर से कॉल है एक वो नहीं ये सारे कह रहे हैं खैरियत आजाद कश्मीर से कॉल आई वो लेते हैं, मतलब कि अभी आजाद कश्मीर की बात बोले आजाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आजाद कश्मीर से बोल रहा हूं, वादी नीलम से इतने दूर से कॉल किया, आप अटेंड ही नहीं करते। क्या नहीं करते? आपने सुने ही नहीं मेरी बात, नहीं सुनी अभी 8 मिनट हुए कॉल होल्ड की आपने। जी जी आप हम सुनने के लिए बैठे हैं। जी जी बोले आप। हुक्म करो मेरे शहजादा। हेलो हेलो, ये वादी नीलम से इन्होंने कॉल की है। जी जी और वादी नीलम से। जी जी हम आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी आपकी प्यारी सी आवाज में और उसमें हम ये बताएंगे, बल्कि आप हमें ये बताएं कि हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, क्योंकि लाइंस जब बिजी बिजी होती हैं तो उसकी वजह से फिर आप थोड़ा सा ना वेट बाजूकात करना पड़ जाता है, तो उसके लिए हम माजरत खां हैं आपसे।
हम देखते ही आपका प्रोग्राम है, हमारी जुबान में होता है, पहाड़ी में होता है, ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपका। थैंक यू सो मच। क्रिएटिव प्रोग्राम ये हमारा अपना चैनल है, देखते ही है, लेकिन हमारी कॉल घंटा घंटा लग जाता है, होती ही नहीं है, बिजी रहता है, बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है। मुश्किल से जो चीज मिलती है ना वो ही अच्छी होती है। अगर फॉरन मिल जाए तो आप फिर इंतजार नहीं करेंगे ना, लेकिन अगेन हम आपको वेट नहीं कराएंगे, डोंट वरी। अच्छा ये मैं करा ना, आप यासर कश्मीरी का माया भी लगाया करे ना। कौन सा यासर कश्मीरी, यासर कश्मीरी का गाना हम यासर में कह रहे हैं जाकुद नहीं यासर कश्मीरी का गाना। और दूसरा, अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि नीलम अब कैसा, नीलम वैली में मौसम कैसा है? नीलम वैली का मौसम ऐसा है, सर्दी है बिल्कुल सही, यख ठंड पड़ी पे यूं सही, यख सर्दी है आजकल तो बिल्कुल, जिस तरह कुल्फी बनना पड़ता है। क्या बना हुआ? कुल्फी। अच्छा कुल्फी, मुझे सुनने में थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा अच्छा, हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन हम नीलम वैली से प्रोग्राम करेंगे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम रहे, मैं आपके साथ हूं इंशाल्लाह। जरूर, बस ये 9:30 हम प्रोग्राम करेंगे। अच्छा वहाँ पे मुझे बताएं कि अगर लोग नीलम वैली, वैसे तो सबको पता है इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे आते हैं और बल्कि जोक दर जोक चले आते हैं, आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे इंतजाम कैसे हैं आजकल, वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे खाने की क्या चीज़ सबसे बेहतरीन है, और अगर हम वहाँ पे आए तो खाने में क्या ऐसी चीज़ है जो हम जरूर वहाँ पे टेस्ट करें? हम आए क्यों, पहले आप ये बताएं कि क्या उसमें खासियत? जी मैडम समझिए, दोबारा बोले क्या करेंगे? चले कोई बात नहीं है, थैंक यू सो मच कॉल करने का। बोले आप आए उधर अच्छे आजकल अच्छे से गेस्ट हाउस बन रहे हैं, रिहायश भी अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, जबरदस्त। हमारा अपना रेस्ट हाउस है उधर बना है, हम आपको जो खाना आप ऑर्डर करेंगे वही खाना मिलेगा इंशाल्लाह। लोग लाहौर से आए हैं इंशाल्लाह। आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके जो डिमांड है वो अगले प्रोग्राम में ज़रूर पूरी करें। तब तक के लिए हम माजरत खां हैं, जो हमारे पास लिस्ट में सॉन्ग्स हैं हम वो आपको सुनवाएंगे। थैंक यू सो मच। कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं एंड कितनी दूर से कॉल आई, कितनी दूर से कॉल। सबसे अच्छी बात ये है कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है उन एरियाज में, और सर्दी स्टार्ट नहीं हो चुकी, सर्दी वहाँ पे होती है। अच्छा नहीं, मैं ये बात करूँ कि हम जब भी प्लान्स करते हैं समर वेकेशंस पे या कहीं भी जाने के लिए, हम बाहर के कंट्रीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान इतना खूबसूरत, अभी तक देखा ही हमने क्या है, मैंने तो अभी तक कश्मीर भी नहीं देखा सिवाय नहरान का खान के, इतनी खूबसूरत जगह जिसमें गिलगित भी देखना है, सब कुछ देखना है, एंड लोगों को वीजा ही नहीं मिलता पाकिस्तान में आने के, इन जगहों को देखने का, विजिट करने का, पहले पाकिस्तान देखे देन उसके बाद दुनिया घूमे। अच्छा उन्वान अब हमने, ओह माय गॉड उन्वान। अच्छा मैं ये बात करना चाह रहा था प्रोग्राम में बीच में जब हम सॉन्ग से पहले थे ना, मैं ये चाह रहा था कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार हमने स्विट्जरलैंड जाना है, हमने मॉरिशस जाना है, हमने मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके विजिट करना है, देखना है। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तानियों के लिए ना कि ये जो खिता है पाकिस्तान है ना सैम, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो ये कह रहा हूँ, जितनी ब्यूटी पाकिस्तान के अंदर है वो किसी मुल्क में नहीं है ना। तो पहले हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि पाकिस्तान पूरे में घूमें, उसमें आपको इवन के सैम सहरा भी बड़े प्यारे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉल एक सुनते हैं, देखते हैं कि मसल लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सईद मलिक सईद बात कर रहा हूँ, चश्मी पंजाब तरक्की वसेट से। हाय 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 हाय, मजा आ गया मेरे भाई, केड़ी जात है वे जनूबी पंजाब दे विचों? लियाकतपुर अलाहाबाद। उई बहु परो है ता लियाकतपुर, तो बहुत दूर है सही इस्लामाबाद तो? या सर बिल्कुल दूर है, हे तो पाकिस्तान दा हिस्सा, पाकिस्तान दा हिस्सा। तो आपको से शो दे विच आक्सू 100 बिस्मिल्ला हुन मैं कोई दसो लाला किस वेले कोल तुसा सारा प्रोग्राम शुरू को ले दे पे आवे या प्रोग्राम दरमियान दे विच दे दे पे आवे? काफी टाइम से है सर, तोरा प्रोग्राम दे दे मैं सर। अच्छा घंटा थी वड़ा ले। अच्छा मैं कोई दसो लाला तुम्हारे इलाके दी मशहूर सौगात क्या है? लिटिल डिस्टेंस होता है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा पता क्या मुद्दा सर, मसला ये भी है कि बारिश की वजह तो ना थोड़े सिग्नल इशू भी थी पैन जानी वजह थोड़ा मसला थे, कोई गल नहीं कोई गल नहीं है। थारी जितनी फरमाइश है सारे प्रोग्राम में जितने भी सॉन्ग हैं तकरीब आई थिंक थारे मोस्ट फेवरेट ही सिंगर से गाने हो सन, तो नाल थारी कॉल भी सुन, लेकिन माजरत अगर कॉल नहीं मिलती पई क्योंकि उसे सारा
कोई कसूर कोने क्योंकि कसूर ए है कि सिग्नल्स का कसूर ता है क्योंकि बारिशें थी पे इस वजह तो अच्छा तो पाकिस्तान की गल करें पैसे मुदसर मैं पाकिस्तान खूबसूरत जगह के नाल सारे पाकिस्तानी जितने भी हैं उनका रख रखाव बड़ा हसीन है इससे बढ़कर के रिस्पेक्ट में खानों में सिंगर्स में कल्चर के लिहाज से ईच एंड एवरीथिंग के लिहाज से बहुत ही हम लोग अच्छे हैं हम आपस में जो कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन किसी थर्ड पर्सन को हम कहते हैं नो नेवर एवर हम लोग हैं हम सब एक हैं एक कौम है और एक कौम के साथ साथ गाना है सुनना बिल्कुल, एक, नहीं सुनना। हम सब एक हैं और हम इस जो गाना अभी आपको सुनाने जा रहे हैं जो दिखाने जा रहे हैं उस गाने की स्पेशलिटी जो है वो बड़ी जबरदस्त है ओके वो स्पेशलिटी क्या है सैम क्या है वो आप सॉन्ग सुनेंगे फिर आपको पता चलेगा फिर जब वापस आएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तानी करते रहते हैं आए फिर एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसा एक्सपेरिमेंट रहा खो गए सपनों में हम दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे दुनिया की राहों को तोड़ तोड़ चले दिखाना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया खो गए सपनों में हम ये अपने लिए क्लैप बजा दे एंड वेलकम बैक थैंक यू सो मच मुदस्सिर तो एक प्रोफेशनली सिंगर है पर मैं नहीं हूँ बस हम सिर्फ कोशिश करते हैं नहीं नहीं प्लीज अपनी तारीफ करवाने का कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है तो मुदस्सिर माशाल्लाह बहुत अच्छे सुर जानते हैं मैं तो बहुत ही बेसुरी हूँ मुदस्सिर के साथ हल्का बोल गा लेती हूँ थोड़ा गुनगुना लेती हूँ और साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी हमारे साथ साथ रहेंगी हम फरमाइश भी पूरी करेंगे अगर हमारी लिस्ट में है अगर आज आपकी फरमाइश पूरी ना हुई तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लाजमी करेंगे फरमाइश आप ये ना दिस हार्ड ना हुएगा ना बिल्कुल अच्छा ये क्या हो गया नहीं हो रहा करना चाहूंगा हां कि इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं होता कि हम जानबूझ के आपकी कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं ना लेकिन बाज़ों का दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग प्यार करने वाले हैं तो आपकी जब कॉल्स आ रही होती है ना तो कॉल्स पे कॉल्स आ रही होती हैं तो उस टाइम किसी की कॉल मिलती है किसी की नहीं मिलती अगर नहीं मिलती तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जानबूझ के कोई मसला ऐसा नहीं होता तो ऐसी गल्ला कोई नहीं कोई भी दिमाग दे विच अगर इस किस्म दी गल आई है तो उन्हें बिल्कुल किक आउट कर लो हां निकाल दो पॉजिटिव सोचेंगे ना बिल्कुल नहीं सोच रहा ठीक है कॉल समटाइम सिग्नल्स का इशू भी होता है ढेर सारे कॉल्स भी आंदी पे वेट भी कर रहे लेकिन असा कॉल लाजमी थारी सुनते तो जिस टाइम भी देखो ए होता है कॉल जिस टाइम कॉल आवे जोश नाल क्योंकि साकु भी जोश चाहिए होता है तो सही वैसे हेलो ऐसा लार ज्यादा ढेर अच्छा बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं सही सैम ने सही कहा कि जब भी आप कॉल करते हैं जब भी तो अगर आपने ऐसे कॉल कर दिया ना हेलो फिर क्या फायदा यार तो फिर आपकी आवाज सुनकर ना हमें भी नींद आना शुरू हो जाती है कि यार ये बंदा बिल्कुल साकु भी सारी एनर्जी भी ना डाउन थी गई exactly, हम इतनी एनर्जी करके बैठे किसके लिए सिर्फ थोड़े वास्ते बिल्कुल और आप हमें अभी भी टाइम है कि कॉल कर सकते हैं हमें कोई भी फरमाइश है तो जरूर कोशिश करेंगे कि पूरी करेंगे लेकिन आज के प्रोग्राम अच्छा, में एक चीज़, आज एक चीज में कहना भूल गया आज मुदस्सिर के अंदर एक फिल्म में हीरो मुझे दिख रहा है आज अच्छा आज की बात आज की अच्छा सैम हाँ सराइकी दे मुहावरा दे हवाले नाल अगर थोड़ी जी से गाल करो ना पिछले प्रोग्राम में मैं कुछ छोटे छोटे वो कराड़ आला काले कराड़ आला नहीं क्या था कावा नहीं एक और है माँ मरीड़ी माँ मरीड़ी मरीड़ी मरीड मरीड अच्छा माँ मरीड़ पिउ तंदुला या अल्लाह बस मैं बचड़ा केसर दी जड़ कौन सी कॉल निकाला है आप लोगों को समझ आई तो प्लीज मुझे भी बता दीजिएगा अस्सलाम वालेकुम क्योंकि इतना औखा जब पूछेंगे तो यही होगा सब कुछ ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्या मुश्किल इसके अल्फाज इतने मुश्किल है माँ मरीड सिर्फ माँ ही समझ आई हूँ माँ माँ को माँ कहते वो माँ ही समझ आई है मुझे माँ मरीड़ पीउ तंदुला बचड़ा केसर दी जड़ केसर बोलते मिठास को तो नहीं बोलते और जड़ वो बाप बाप को लिंक तो नहीं कर रहा नहीं नहीं इस पे दिमाग पे आप कोशिश करें कि गमला रखें
ताकि जोर दें और कुछ इससे निकले। ये बड़ा इजी है, अल्फाज के अंदर ही इसका मतलब छुपा है। नहीं, कहाँ से ढूंढ के लाते हो? ये हम जब बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं ना, वो तो मुझे भी पता है हाँ। तो उनसे जो नॉलेज होता है ना, वो हम अक्सर वो नोट करते रहते कि अच्छा ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। कोई इजी वाला बताओ, मेरे तो आजकल 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 से मसला ये है कि हमारे पास दुनिया इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। बिल्कुल ऐसा है। कोई भी जिसे हम कहते हैं कि मंतक की बात हो गई, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, पहले अगर थोड़ा सा पहले चले जाए, हमारे नाज़रीन बिल्कुल इस चीज से एग्री करेंगे कि एक टाइम हुआ करता था कि फैमिली के जो बड़े होते थे वो खाने के टाइम पे अपने बच्चों को बिल्कुल साथ बिठाते थे। बिल्कुल। और उस टाइम वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते होते थे कि बेटा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है ना। हमारी फैमिली में जो हमारे बुजुर्ग थे, तो वो माशाल्लाह बड़ा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो जो भी कुछ पढ़ने लिखना उनका, वो उनके बहुत ज्यादा नॉलेज में जो होता था वो शेयर करते थे। तो जब भी हम खाने पर बैठते थे तो वो जरूर शेयर करते थे कि बच्चे ये यूं था, ये यूं था। तो वो जो बातें होती हैं ना, वो जो मंतक की बातें होती हैं, जो जिंदगी गुजारने के तरीके कार होते हैं, वो चीजें फिर हमारे माइंड में, हमें उस टाइम पता ही नहीं चलता था कि क्या बातें हैं, क्या बातें क्यों नहीं मालूम होता था वो। दैट्स बिकॉज हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, सेल फोन नहीं थे, सिर्फ हमारे पास एक टीवी होता था। उस टीवी के टाइम खाने के टाइम खाना, टीवी के टाइम टीवी, एंड अदरवाइज कोई अदर एक्टिविटी आपकी लाइफ में होती ही नहीं थी। अब क्या हो गया, खाना खा रहे हैं, सेल फोन, मैं अपनी बात के सेल फोन भी साथ साथ देख रहे हैं, चीजें भी सो, हम इधर भी काम कर रहे हैं, हम टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, खुद को टाइम नहीं दे रहे, किसी को भी टाइम नहीं, मोबाइल को टाइम देते हैं भैया। ये बिल्कुल करेक्ट और सही बात है कि हम सारा टाइम अपना वेस्ट करते हैं मोबाइल के ऊपर, लेकिन अगर अच्छी नॉलेज हो तो जहाँ से आप कुछ लर्न कर सके, वो एक्टिविटी बिल्कुल ठीक होती है ना। अब सोशल मीडिया में इस बात को ना थोड़ा सा, वो जो भी मैं मुहावरा कह रहा था कि अगर आपको समझ नहीं है या जो बंदे हैं उनको समझ नहीं आई, तो उनको मैं बता देता हूँ, इसके दो पहलू हैं, दो रुख हैं। okay. एक इसमें ठीक क्या है ये मुझे अभी तक पता नहीं है, लेकिन दो साइड की इसकी थ्योरी है कि माँ मरीर प्यू तंदूला बचड़ा केसर दी जड़। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव मतलब ये है कि मरीड जो है ना, ये भी एक बूटी का नाम है। एक मरीड, एक तंदूला, एक जड़ी बूटी है मेरे ख्याल में ना। मरीड भी अच्छी जड़ी बूटी है, तंदूला भी अच्छी जड़ी बूटी है ना। ठीक है, तो उससे जब वो बच्चा होगा ना, तो वो उसका है, उसको कहते हैं कि केसर, वो बड़ा अच्छा होगा उसमें। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है ना, जो अक्सर हमने सुनते थे अपने एरियाज में, तो वो ये कहते हैं कि जिस, देखो माँ माँ और बाप दोनों एक एवरेज नॉर्मल टाइम गुजार रहे हो, और बच्चा जो कहे वो कहे मैं तो खान, मैं तो बड़ा, मुझसे कोई कोई बड़ा है नहीं, मैं उसमें मैं हूँ, उसमें अपने आप को बहुत बड़ा समझने की एक उसके अंदर एक चीज बैठ गई होगी, मेरे से पॉइंट बैठ गया। हाँ, तो इस वजह से ये एग्जांपल दी जाती थी कि यार इसको देखना, माँ मरी फ्यू तंदूला ते बचड़ा केसर दी जड़। अच्छा अच्छा, माँ बाप मतलब माशाल्लाह इतने पॉजिटिव और इतने रख रखाव वाले, लेकिन बच्चे को देखो ये किस पे चला गया, किस पे चला गया। अक्सर हम कहते हैं ना ये किस पे चला गया, लो इतनी गहरी गहरी बातें, इतना हमने चोर बचोर कहने पे। यार काफी सॉलिड बात है कि हम बच्चे पता नहीं क्या, इधर हम बात करेंगे और खुदाफिज करेंगे, जाने का टाइम हो गया, टाइम। चलो ये नेक्स्ट वाले पे, यहीं पे जहाँ पे मेरा हाथ रुका था ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, कोई सी अच्छी सी बात हमें हमारे साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि हम आपसे सीखेंगे। भैया आप अच्छी अच्छी अपने इलाके की बातें, इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर कीजिएगा, तो हमारे थ्रू पूरे वर्ल्ड में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शेयर हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक सदकाए जारिया है, तो हम इस तरीके से बहुत जरूरी है। और हमेशा मैं बात करती हूँ, पॉजिटिव रहा करें, अच्छा अच्छा सोचा करें, अच्छा सोचें के तो हमेशा हर दिन को ऐसे आप गुजारें जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। यकीन माने कि सब चीजें, अच्छा टाइम खत्म, तो सॉरी जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज।